मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह का पलटवार। का बीजेपी के संविधान में नहीं लिखा है कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, वो फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और टर्म पूरा करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है, मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। वही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी से पूछे सवाल, पूछा प्रधानमंत्री बताएं 75 साल में रिटायरमेंट का सिद्धांत उन पर लागू होता है नहीं। आप सांसद ने प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए पूछा क्या पीएम सत्ता के लालच में अपना नियम तोड़ेंगे, 4 जून को बीजेपी हार रही है। जो नियम और कानून, जो सिद्धांत, जो विचार पार्टी के बाकी नेताओं के ऊपर लागू होते हैं वो क्या मोदी जी के ऊपर लागू नहीं होंगे। चुनावी घमासान के बीच जेल से रिहा हुए सीएम केजरीवाल का आज दूसरा दिन है, अपने आवास पर पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। आज दिल्ली के मोतीनगर और मटियाला में मुख्यमंत्री केजरीवाल का रोड शो है, रोड शो के बाद चुनावी जनसभा को संबोधित। सीएम केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री मान भी चुनावी जनसभा में भाग लेंगे, दिल्ली के लोगों से रूबरू होंगे। केजरीवाल के प्रधानमंत्री पर 75 साल वाले बयान पर गरमाई सियासत, बीजेपी ने केजरीवाल पर जमकर किया पलटवार। पीएम के रिटायरमेंट पर सीएम केजरीवाल के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पलटवार, बोले आएंगे तो मोदी ही, रहेंगे तो मोदी ही। चुनावी मौसम में आज पश्चिम बंगाल और पटना में गरजेंगे प्रधानमंत्री मोदी, रोड शो के बाद जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। आज दोपहर 2:30 बजे बंगाल के आरामबाग में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली होनी है, आरामबाग के बाद हावड़ा में चुनावी जनसभा को पीएम संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर लगाया डर फैलाने का आरोप, बोले इस बार 50 सीटों पर सिमटने जा रही है कांग्रेस। कांग्रेस इस देश में मान्य विपक्ष भी नहीं बन पाएगा, वो 50 से नीचे सिमटने वाले हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुनावी जनसभा में पाकिस्तान को घेरा है, बोले पाकिस्तान के बम का कोई खरीदार नहीं है। आज पटना में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो का आरजेडी जॉब शो करके देगी जवाब, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जॉब शो करने का ऐलान किया है। वहीं आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने बीजेपी के एक दिन में 3-3 रैलियों पर उठाया सवाल, बोले बिहार में बीजेपी को एक दिन में 3-3 रैली क्यों करनी पड़ रही है। तेजस्वी यादव ने बिहार के बीजेपी और एनडीए से जुड़े लोगों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, कहा बीजेपी वाले लोग डरे हुए हैं, बिहार इस बार चौंकाने वाले फैसले देंगे। अब इनको आना पड़ रहा है, डरे हुए हैं और डरे हुए इस बात पे हैं कि बिहार इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट दे रहा है। जबकि श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, कहा हमारे कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती किया जा रहा है परेशान। चुनावी रण के बीच आज उत्तर प्रदेश में होंगे गृहमंत्री अमित शाह, कौशाम्बी, रायबरेली और गोंडा में जनसभा। सुबह 11 बजे यूपी के कौशाम्बी से गृहमंत्री शुरू करेंगे अपनी जनसभा, लोगों से रूबरू होकर बीजेपी उम्मीदवार को विजयी बनाने की अपील करेंगे। बीती शाम वाराणसी में गृहमंत्री अमित शाह गंगा आरती में शामिल हुए, साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रहे मौजूद। वाराणसी में आरती से पहले लेजर शो का भव्य आयोजन, लाइट से आसमान पर लिखा गया बीजेपी, दिखाई गई वंदे 12 ट्रेन की आकृति। गृहमंत्री अमित शाह ने काशी के ड्रोन शो को अद्भुत बताते हुए किया ट्वीट, लिखा संस्कृति और टेक्नोलॉजी का अनूठा संगम देखकर मन हुआ आनंदित। रायबरेली और अमेठी में 17 मई को राहुल गांधी और अखिलेश यादव करेंगे संयुक्त जनसभा। कुल्लू में कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर तंज कसा, कहा देश में कार्टून कैरेक्टर्स हैं राहुल गांधी, मुझे दौलत शोहरत का नहीं लालच, देश की सेवा का जुनून। आंध्र प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टियों पर राहुल गांधी ने साधा निशाना, बताया बीजेपी की बी टीम। राहुल गांधी ने बीजेपी की बी टीम बोलकर आंध्र सीएम के साथ चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण को घेरा है, बोले तीनों का रिमोट पीएम मोदी के पास। बीजेपी की बी टीम का मतलब बी फॉर बाबू, जे फॉर जगन, पी फॉर पवन, इन तीनों का रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी के हाथ में है। पश्चिम बंगाल के ताहिरपुर में स्वास्तिका भुवनेश्वरी बीजेपी में शामिल हुई, बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती भी रहे मौजूद। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में झारखंड के गढ़वा जिले में विधायक का रोड शो, युवाओं ने लिया बाइक जुलूस में भाग।
शिमला में विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मामले में सुनवाई, अपना पक्ष रखने नहीं पहुंचे निर्दलीय विधायक। दिल्ली पुलिस ने राज्यसभा सीट के नाम पर एक व्यक्ति से धोखाधड़ी करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। महाराजगंज में गठबंधन प्रत्याशी की प्रेस वार्ता के दौरान बवाल, समाजवादी पार्टी नेताओं के बीच झड़प। जबकि हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सार्वजनिक रैली को संबोधित किया, कहा 10 साल में एक भी घोटाला मोदी सरकार पर नहीं लगा। संगरूर में बीजेपी उम्मीदवार का किसानों के साथ जबरदस्त धक्का मुक्की, बीजेपी नेता अरविंद खन्ना को किसानों के बीच से पुलिस ने निकाला बाहर। अलवर में सरकार को शराब सप्लाई करने वाली फैक्ट्रियों पर इनकम टैक्स की रेड, राजस्थान और हरियाणा के ठिकानों पर पहुंची टीमें। मुंबई में सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रवासी प्रबुद्ध सम्मेलन में उद्योगपति और व्यवसायियों के साथ बातचीत की, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सूरत में हिंदू नेताओं की हत्या की योजना बनाने के मामले में पुलिस ने शहनाज उर्फ मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया है, सूरत लेकर आई है इसे पुलिस। उधर छत्रपति संभाजीनगर में कुछ अज्ञात लोगों ने दो कारों में आग लगा दी, पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। इधर गाजियाबाद में तूफान के कारण घर का एक हिस्सा गिर गया, हादसे में 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। हुबली शहर के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश, झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट। बेमौसम बारिश लोगों के लिए बनी मुसीबत, जगह जगह जलभराव की स्थिति। पुंछ में भारी बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है, किसान परेशान। बागेश्वर में बारिश से गेहूं की पकी हुई फसल को पहुंचा नुकसान, क्षेत्रों में ओलावृष्टि से सब्जी की खेती भी प्रभावित है। असम के डिब्रूगढ़ में बारिश का दिखा कहर, बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी। आज सुबह 6 बजे बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं, सामने आई मनमोहक तस्वीरें। बद्रीनाथ धाम कपाट खुलने से पूर्व मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया, खूबसूरत नजारा सामने निकल कर आया, फूलों से सजाया गया विशाल बद्री मंदिर। यात्रा शुरू होते ही व्यवस्थाओं की खुली पोल भी, लेकिन साथ साथ यमुनोत्री धाम में घंटों जाम में फंसे रहे यात्री, नाच गाकर समय व्यतीत किया। मदर्स डे पर पश्चिमी सरहद पर देश की सुरक्षा के साथ माओं की ममता का फर्ज, भारत पाक सीमा पर कड़ी चुनौती के साथ देश की हिफाजत में जुटी हैं देश की कई माएं। अगरतला की स्मृति रेखा चकमा को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, चकमा समुदाय में योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। जयपुर में जमानत से छूटते ही सिरफिरे युवक ने अस्पताल में चाकूबाजी की, एक शख्स की मौत हो गई है, कई घायल बताए जा रहे हैं। ओडिशा के नवरंगपुर में चुनावी फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने चेकिंग की है, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सख्ती से हो रही है वाहन चेकिंग। यूपी मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में जनसेना प्रमुख पवन कल्याण के काफिले से टकराई बाइक, कोई हताहत नहीं। फरीदकोट में एक कार से 4,500 नशीली ड्रग्स की गोलियां बरामद हुई है, एक तस्कर गिरफ्तार हुआ है। सासाराम में अलग अलग जगहों पर बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई, 2 गंभीर तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। जयपुर में फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में झगड़ा होने से एक की मौत बताई जा रही है, मामूली बात पर आरोपी ने शख्स को चाकू से गोद दिया। खबर राजस्थान अलवर से, जहां सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई है, बस की टक्कर से दोनों की जान चली गई। हनुमानगढ़ के नहर जेल में बंद कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई है, तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। छत्रपति संभाजीनगर में एक्सेसरीज की दुकान से 40 लाख नगद बरामद किए गए हैं, आगे की पूछताछ चल रही है। इधर गौतम बुद्ध नगर नोएडा में बुजुर्ग महिला डॉक्टर को साइबर ठगों ने 7 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके अकाउंट से 45 लाख रुपए उड़ा लिए, पुलिस जांच कर रही है। पीलीभीत में नूडल्स खाने से हुई फूड पॉइजनिंग, एक बच्चे की मौत, 5 की तबियत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। पीलीभीत में गर्भवती महिला की मौत से हड़कंप है, ई रिक्शा से ले जाते महिला की वीडियो वायरल। जयपुर में पत्नी की हत्या करके शख्स थाने पहुंच गया, आरोपी गिरफ्तार किया गया। उधर हैदराबाद में बिना अनुमति के सार्वजनिक सभा करने पर अल्लू अर्जुन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला दर्ज है।